केंद्र दे मोदी सरकार द्वारा खन्ना दे फोकल पॉइंट दे विकास लई पास कीते गए प्रोजेक्ट दा उद्घाटन करन दे लई पंजाब सरकार दे मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा ने अज खन्ना दा दौरा कीता। 10.65 करोड़ की लागत नाल फोकल पॉइंट की नुहार बदली जाएगी, जिस विच इलाके च सीवरेज, रोड, स्ट्रीट लाइटां, सोलर सिस्टम का प्रबंध किया जाएगा। मंत्री दे नाल संसद अमर सिंह खन्ने दे विधायक गुरकीरत सिंह कोटली, विधायक लखबीर सिंह लक्का, फोकल पॉइंट एसोसीएशन दे प्रधान तेजिंदर सिंह शर्मा मौजूद सन। किस चीज नूं लैके किन्ने पैसे दित्ते, कहिंदे किहड़े किहड़े उद्घाटन कीते? सर, 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जिहड़ा फोकल पॉइंट नूं, सड़कां टुटियां सी, लाइट है नहीं सी, जो भी इत्थे दे काम रहिंदे सी उहदे लई 10 करोड़ 65 लाख रुपया दित्ता गया। बड़ी जल्दी अज उहदा नींह पत्थर रखिया गया मानजोग MLA साहब, मानजोग अपने MP साहब दे नाल, और ये जिहड़े काम है बड़ी जोर नाल करा रहे हैं। मैनूं उम्मीद है कि शायद असीं बरसातां तों पहलां ही जिहड़े सड़कां दे वगैरह काम है नबेड़ दीए, जो कोई रह गए ये 2-3 महीने का टारगेट है, सारे काम जिहड़े फोकल पॉइंट दे पूरे हो जाए। प्रोजेक्ट है खाली पंजाब सरकार वल्लों ते सेंटर दा वी कोई? सर, मैं उत्थे क्लीयर करके चुके हाँ, सेंटर दा पहलां वी आउंदी सी, पंजाब भी सीगा। तुसी कहने ये सारा पंजाब और सेंटर का कोई फर्क नहीं, सारी इको चीज़ है। इत्थे माइक ते कही गई, मैं उन्होंने क्लीयर भी किया, ये जड़े दसे गए भी 9% 9% ये पहला भी चलते सी, कोई नवे नहीं, गल प्रयास की होंगी है। ये MLA ने प्रयास किए ने, इन्हें हिम्मत की है, मैंबर पार्लीमेंट ने हिम्मत की है, तो अच्छ चालू हो गए। ये जिनी परसेंटेज पहला भी सी, कोई नवी नहीं है, पर प्रयास करन दी गल हुंदी है, अपने शेयर डालन दी गल हुंदी है। जो स्कीमां ने उन्हों असी लागू करते हैं कि असी उन्हों इंप्लीमेंट कराने स्कीमां नू, उहदे लई हुंदी है। ये पंजाब सरकार की मानजोग मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि असी जिन्ने अज 17 फोकल पॉइंट पंजाब के अंदर लए ने, नीयर अबाउट एक लुधियाने के 440 करोड़ उन्हों का 200 करोड़ रुपया असी पंजाब के फोकल पॉइंटा दिता है, और 200 करोड़ रुपया साइकिल वैली जी लुधियाने आंसू बन रही है, 400 करोड़ रुपया तकरीबन जिहड़ा ये फोकल पॉइंटा दे लग रहा। मंत्री जी, लोकल भाजपा के कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि अभी बड़े लंबे समय तो जो है इतने फोकल पॉइंट वास्ते संघर्ष कर रहे थे, सेंटर की स्कीम है ये, इस संबंध में मीटिंग भी उन्होंने रखी हुई है जी पिछले, मैं मेरे मूँह ये गल्लां नहीं होंदियां। जिस वेले कोई सरकार बनती है, ये मैं MLA बनया, ये बने MP बन गया, साढ़े लिए कोई नहीं हुंदा, साढ़े लिए अपना इलाका हुंदा, साढ़े लिए असी पूरे पंजाब का विकास करना। मैं इन चीज़ों च विश्वास नहीं करता, असी पूरे पंजाब का विकास करांगे। साढ़े लिए जदों लोगों ने सानू चुन दिता तो साड़ी जिम्मेवारी है काम करन दी, असी ये चीज़ नहीं देखते कि पार्टीबाजी तो उपर उठ के असी पंजाब का विकास करना, वो असी जतनशील है। मंत्री जी, कोरोना वायरस के कारण जी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, तो लेबर भी जा चुकी है, वो पंजाब सरकार वालों के कदम चुके जाएंगे उन्होंने जिहड़ा दोबारा इंडस्ट्री रुक? मैं तुहानू एक गल मैच ते भी कही है, ट्रेन चल लैंदा सारी दी सारी लेबर जिहड़ी इत्थे वापस आ जाऊगी। सानू रोज़ फोन कर रही है कि सानू वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। तुसी, मैं 3 बसा आप रिसीव कीतियां ने, बसा भेजियां सी जिहड़ियां कि लेबर लैके आईयां ने, और एक साडे किसान वीर भी बसा भेज के उन्हां नूं मंगवा रहे ने, लेबर आण च कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन चल पैण। मैं रेलवे मिनिस्टर नूं लैटर लिखिया कि जल्द तो जल्द UP और बिहार तो ट्रेन चलाई जाए, और साडे लोग जिहड़े साडे अतिथि सी जिन्हों नूं असीं लेबर का नाम दिंदे आ, उह सारे वापस आना चाहुंदे ने। मैनूं विश्वास है जिस दिन ट्रेनां चल पैणगियां विदइन 15 डेज सारी दी सारी लेबर जिहड़ी आ उह वापस आ जाएगी। मतलब ये इंडस्ट्री दे बंद होण कारण इंडस्ट्रियलिस्ट ने जिहड़े उह करजे दे विच वी डुब चुके ने, ते उहनां लई पंजाब सरकार वल्लों तुसीं कोई सेंटर वल्लों कोई स्कीम मंगेगी हो जिहड़ी उहनां नूं मिल सके? मैं तुहानूं बार बार ये गल कह रहा हां कि जिहड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज है ना, इन्नी अखी इकनोमिक्स है किसी नूं समझ नहीं आती। मैं 3-4 मंत्रियों ने गल की है, पीयूष गोयल जी ने की है, गडकरी जी ने की है, स्मृति ईरानी जी ने की है, जिन्हें भी टैक्सटाइल या MSME माइक्रो जिन्हें भी इंडस्ट्री नाल जिहड़े मिनिस्टर ने सेंटर के उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की है कि साड़ी इंडस्ट्री नू मिनीमम 6 मंथ का जिहड़ा बैंक इंट्रस्ट है इहनू माफ़ किया जाए। ये जिहड़ी इंडस्ट्री है हुण देखो माल जिदा लुधियाने हौजरी इंडस्ट्री है, इन्होंने गर्मियों का माल बना के सारा रख्या होया सी, लॉकडाउन हो गया, माल सारा अंदर पिया रह गया, हुण इन्होंने सर्दियों का माल बनाना सी, इन्हों पैसे की लोड़ सी, माल बिकया नहीं, इसलिए CM साहब ने 2-3 लैटर लिखे आ, VC विच प्राइम मिनिस्टर नूं भी कहा कि इंडस्ट्री तां ही खड़ी हो सकती है इन्हां दे बिलां ते ध्यान दिता जाए, इन्हां नूं कोई ना कोई असी इदा का पैकेज देिए कि जी सर्वाइव हो सके इंडस्ट्री। पंजाब सरकार भी कोशिश कर रही है और सेंटर तो भी मंग रही है। मंत्री, जिमें कि अकाली दल और
जी आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है बढ़ रहा है पेट्रोल के रेट डीजल के रेट और बिजली के रेट भी दिनों दिन पंजाब बढ़ रहे हैं उन्होंने लोगों से वजन पै रहे वो की करें सर मेरी गल सुन ये जो तेल पेट्रोल की तुम गल कर रहे हैं तेल पेट्रोल कितों बढ़ रहा है तुम कहने संघर्ष कर रही ये तो बीजेपी क्यों नहीं संघर्ष करती असी बड़ी बेनती की साढ़े नाल चलो असी मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं असी सारे पैसे की साडा जी एस टी जिन्ना बकाया से असी इन्हों बेनती की है कि साढ़े नाल चलो असी उत्थे जाके गल करिए कम से कम साडा पैसा तो दे देन ताजो असी अपनी इंडस्ट्री दे सकीए करोड़ों रुपया इस इंडस्ट्री ने ई एस आई जिहड़ा कि कटिया जाता है जिहड़ा कि मुलाजमान का इन्हों का कटिया जाता है करोड़ों रुपया सेंटर को जमा है असी उन्होंने बेनती की कम से कम वो ही दे दो कि असी जी सा लेबर है असी इन्हों प्रफुल्लित कर सकी जोड़ा इन्हों का पैसा वह भी नहीं मिले असी तो रोज़ इस गल की गल कर रहे हैं पेट्रोल बधाया सारे जो पेट्रोल है मेरी गल सुनो ये उपरों बढ़ते पंजाब सरकार नहीं रोज़ बधाती जिदा उपरों बढ़ते वो ही रेट जोड़ा सारे स्टेटा हाइक हो जाता पंजाब सरकार तो असी तो मेरी गल सुनो पंजाब कल सीएम साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर ना भी वीसी सी कि कम से कम छे महीने इन लोगों राशन होर मिलना चाहिए जोड़े लोग अजे पूरी तरह कम नहीं मिल सके असी तो लगे हुए हैं और जड़ी भी चीज़ है अज पंजाब मानयोग मुख्यमंत्री ने गल कही सी कि कोई भी व्यक्ति भुखा नहीं सोएगा और तुहानू भी इस गल का पता है पंजाब के अंदर कोई व्यक्ति भुखा नहीं सोया हर तरह का राशन चाहे सुक्का सी चाहे लंगर सी पंजाबी तो वैसे बड़े दलेर ने और गुरुआ पीर फकीर की धरती है इतने इदा का कभी केस होया ही नहीं कि कोई भुखा सोवे और मानयोग मुख्यमंत्री का प्रयास से और ये बड़ा सफल होया और मानयोग मुख्यमंत्री ने कल मंग भी की है कि कम से कम छे महीने जी राशन स्कीम है होर चलाई जाए बाकी असी इंडस्ट्री के नाल है कोई दिक्कत आएगी असी दुख सुख बिजली के रेट तो पंजाब सरकार वालों ही बधाए जाते हैं इंडस्ट्री के भी ज्यादा ने आम लोगों के भी वजन पिया क्योंकि लॉकडाउन करके एक कारपोरेशन है मेरी तुमने गल सुन पंजाब के किसानों को सबसिडी है पंजाब की इंडस्ट्री को सबसिडी है अज गल बड़े क्वेश्चन आए जी दिल्ली तो बिजली सस्ती है तो दिल्ली किसानों को सबसिडी है नहीं इंडस्ट्री नू उत्थे 10-12 रुपए यूनिट असी जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है असी इन्हां नू 5 रुपए यूनिट दिंदे आ लेकिन जिहड़े फिक्स चार्जेस पै के इन्हां नू महंगी पैंदी है असी उहदे ते विचार कर रहे हैं कैबिनेट च गल होई है मानयोग मुख्यमंत्री इहदे बारे कुछ ना कुछ करनगे पर दूजी गल अज हालात इदां दे आ जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है 24 आवर नहीं चल रही जिहड़ी इंडस्ट्री 24 आवर चल रही है उन्हां नू बिजली सस्ती पैंदी जिहड़ी इंडस्ट्री अज लेबर नहीं है जां होर हालात है मंदी है उन्हां करके जिहड़े पैकेज भी मंगे आ इन्हां करके मंगे आ जिहड़ी पंजाब सरकार भी सोच रही है इन्हां करके सोच रही है तुसीं देखोगे आने वाले दिनों दे विच इंडस्ट्री का जिहड़ा कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट मानयोग मुख्यमंत्री भी करनगे ते सेंटर तो भी लैणगे जी गल कीती जावे जिवें कि चाइना का माल इत्थे आंदा सीगा ते लोकां ने भी बहिष्कार करना शुरू कर दिता उहदा भी असीं नहीं बीतांगे ते तुसीं इत्थे इंडस्ट्री नूं कहेंगे जिहड़ियां चीज़ां नहीं इत्थे बणदियां सीगियां उहदे लई की कीता जाऊगा सर असी जिस तरह चाइना तो लोगों का मोह टुटिया यूरोपीयन इंडस्ट्री चाइना च बहुत लगी हुई सी वो हुण उत्थों मूव करेगी पंजाब सरकार ने पूरी तैयारी की है असी चार इंडस्ट्रियल पार्क बिग पार्क जिहड़ा लुधियाने 1100 एकड़ फिर राजपुरा असी 1100 एकड़ कर रहे हैं राजपुरा कैलकाटा कोरीडोर है जिहड़ा उहदे ते गल हो गई है 135 एकड़ असी तुहाडे नाल लई है जिहड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क बना रहे कि जिनी इंडस्ट्री उत्थों आएगी सब तो पहला इंडस्ट्री की डिमांड होंदी है कि जमीन सरकार देवे उहदे लई असी इंतजाम कर रहे हैं जमीन असी लगभग खरीद ली है जिहड़ी भी इंडस्ट्री आएगी उन्हूं पूरी फैसिलिटी दे नाल जमीन दित्ती जाएगी साडा इह प्रयास है कि जिहड़ी MSME माइक्रो वा जिहड़ा माल बनावे जिहड़ी इंडस्ट्री नवीं लगे ते उहनां नूं सप्लाई करन ये दिक्कत ना होवे अपनी माइक्रो और MSME नूं जिहड़ी कि पंजाब की बैकबोन है चाहे 10 बंदे काम करते हैं 20 बंदे कर रहे साढ़े पंजाबी भरा उत्थे काम कर रहे हैं तो वो साड़ी बैकबोन है उन्हें असी 100% प्रफुल्लित करना है ठीक है मंत्री धन्यवाद संजय सैनी की रिपोर्ट TVNRI।